आपको मिलवा देते हैं हमारे मेन मैकेनिक साहब से। तुम ये क्या कर रहे हो, यूं बता, प्लग बताओ कौन कौन से ठीक है भाई, कैसे और ऐसा नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर दोबारा से आ गया हूँ नाहरपुर कार मार्केट में, और मैंने कहा था ना, एक हमारे पास अपनी स्विफ्ट भी है, मेरी स्विफ्ट है, ठीक है, 2012 के सीरीज़, उसमें ना वो कुछ अलग है स्विफ्ट, मैं दिखाता हूँ क्या है वो भाई। उसको मैं आया हूँ ठीक कराने के लिए। उसमें ना शॉकर की दिक्कत आ रही है, जब गाड़ी चल रही है तो ढकढक ढकढक गड़गड़ गड़गड़ हो रहा है, और दूसरा ना गाड़ी ना जर्किंग भी कर रही है, डडे 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 ऐसे करके, जैसे ट्रक ठेले करते हैं ना ऐसे कर रही है, ठीक है। अपने साथ अपना दोस्त भी आया हुआ भाई, आपने देखा भी होगा लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो अब हमें ना, हम यार टायर भी लेंगे, उसके टायर भी ख़त्म हो चुके हैं, एक साइड से एक टायर फट भी गया। अब देखो मैं नए लूँगा या सेकेंड हैंड पर जाऊँगा भाई, अभी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो यार इतने पैसे आए नहीं समझो तो ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ मेरी गाड़ी में हो क्या रहा है। तो जो हमारा मैकेनिक है ना भाई, बहुत मस्त मैकेनिक है, जो भी कराना चाहे नाहरपुर कार मार्केट रोहनी सेक्टर 7, ठीक है, आके भाई उससे कराओ, नाम भी बता देंगे नंबर भी दे देंगे, ठीक है। तो दिखाता हूँ गाड़ी में हो क्या रहा है, आओ भाई। तो भाई ये है अपनी गाड़ी स्विफ्ट, तो इसमें देखो यार ये सब खोल खाल के चेक कर रहे हैं, ये अभी पता लगेगा ये क्यों जर्किंग कर रही है कुछ ज़्यादा ही। सर्विस तो कराई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो जर्किंग कर रही है। चलो ये देखते हैं, अब इन्होंने सारे के सारे जो हैं प्लग्स वगैरह खोल दिए हैं, ठीक है। और भाई इनको क्या बोलते हैं जो इनके अंदर लगे रहते हैं, कॉयल, ठीक है, ये कॉयल लगी हुई है, 4 कॉयल लगी हुई हैं, चारों के चारों, पता लगेगा अभी भाई क्यों कर रही है। देखो ये सब खोल खाल के रख दिया एयर फिल्टर, एक भाई इधर लगे हुए हैं और एक ये हमारे सोनू भाई हैं, इनको पहचान लो, ठीक है, नंबर भी दे देंगे इनका, मैकेनिक भी फर्स्ट क्लास है, एक और हमारे मैकेनिक हैं, उनसे बाद में मिलवाएंगे आपको, ठीक है। तो भाई ये देखो और क्या हो रहा है हमारी गाड़ी में, सोनू भाई आज हमारी गाड़ी में शोकर भी खुल रहा है। तो ये देखो भाई अपनी गाड़ी में शोकर भी खुल रहा है, शोकर इसलिए खुल रहा है कि यार ये गडर 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 कर रही है। तो जो हमारे दूसरे मैकेनिक साहब हैं, ठीक है, और ये वाले जो मैकेनिक साहब हैं सोनू भाई साहब, ये दोनों हमारे घर आए थे, हमारे घर के नीचे इन्होंने क्या करा था, पूरा रेक बुश, ठीक है, और पूरा नीचे से सारा तामझाम खोल के, नीचे की जो जो रॉड होती है लिंकिंग रॉड, देखो मैंने नहीं लगा रखी है, पूरी जेनुइन लगी है, देखो इतनी मोटी है ये, वरना पतली भी आती है, लेकिन मैंने जेनुइन लगा रखी है, और देखो बिल्कुल ओके है, ये देखो ये देख रहे हो एकदम ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो भाई अब देखते हैं, थोड़ी सी जंग भी लगी हुई है, साफ़ कर देंगे, ठीक है। ब्रेक एकदम ओके हैं, ब्रेक में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक पैड देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहे हो, ब्रेक पैड ये देखो, देखो ब्रेक पैड ठीक है इसके, कोई दिक्कत नहीं है अभी, बहुत है, ठीक है जी। चलो अब आपको ये दिखाते हैं, तो पूरी गाड़ी भैया कुछ हालत ख़राब है गाड़ी की, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, देखो स्क्रैच स्क्रैच लगे हुए हैं, ये आ गए, ठीक है, सारा खोल खाल के यहाँ से भी दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ से भी, ये थोड़ा सा देख रहे हो यहाँ पे ऑयल वगैरह भी लीक हो रहा है, ये भी चेक कर लेंगे क्यों हो रहा है, ठीक है। ये देखो एकदम ओके है, यहाँ भी ब्रेक पैड एकदम ओके है, ये लगे हुए, ठीक है, नीचे एकदम ओके है, ठीक है, जंग भी लगा हुआ है, सब सही हो जाएगा, दोनों साइड के शॉकर ठीक हो रहे हैं, आगे के पता लगेगा। अब भाई साहब आपको मिलवा देते हैं हमारे मेन मैकेनिक साहब से, माजिद भाई साहब से। माजिद भाई आज क्या क्या हो रहा है गाड़ी में, यूँ बताओ जरा। ट्यूनिंग हो रही है भाई। ट्यूनिंग कर रहे हो? हाँ। क्यों कर रहे हो? ये झटके ले रही है। झटके ले रही है मतलब डड़ा डड़ा कर रही है ना? मिसिंग कर रही है। मिसिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और इसके शोकर भी शायद खोल रखे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। शोकर को एकदम टनाटन करेंगे ना आज? हाँ जी। जो जंग वंग लग रही सब हट जाएगी ना, एकदम धासु हो जाएगा। हाँ यार ये प्लग देखो भाई साहब, प्लग बताओ कौन कौन से ठीक है भाई, कैसे पता लगता है सारे प्लग ठीक है, कौन सा वाला गड़बड़ है, क्यों दिखाओ भाई, यहाँ दिखाओ कैमरे पे मुझे। ऊपर से काले हो तो रेक माल और स्प्रे लग के सही हो जाता। अच्छा। अगर इधर से ये लाल पड़ जाए ना, अच्छा, तो प्लग खराब हो जाता है। तो क्या ये खराब है, कोई सा एक खराब है इनमें से? नहीं, प्लग तो अभी वैसे ओके है, स्प्रे लग जाएगा, टोटल बॉडी क्लीन हो जाएगी इसकी। स्प्रे देखो मैं भाई टोटल बॉडी स्प्रे भी दिखा देता हूँ, देखो ये लेके आया हूँ शीबा का भाई, सबसे बेस्ट आजकल यही माना जाता है, बहुत पहले से चल रहा है, ये छोटा वाला है, आई थिंक 100 रुपए का आता है, ठीक है, तो आप ये खरीदो और कराओ।
तो माजिद भाई आप ये कह रहे हो कि स्पार्क प्लग बिल्कुल ओके है। हाँ जी हाँ, ठीक है माजिद भाई, लोगों को हम कॉयल भी दिखा देते हैं, ये देखो ये भाई कॉयल है। तो माजिद भाई कॉयल भी अपनी एकदम ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो कपलर होते हैं माजिद भाई, ये लूज हो जाते हैं क्या? हाँ, ये लूज हो जाते हैं तो गाड़ी मिसिंग मारती है। अच्छा चलो ठीक है माजिद भाई, आप करो काम, आपका माजिद भाई का नंबर और नाम दोनों भाई साहब डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कॉल कर सकते हो। रोहिणी सेक्टर 7 नाहरपुर की मार्केट में आ जाओ, और जब काम कराओगे ना माजिद भाई की एक खासियत बता देता हूँ, एक गाड़ी पकड़ ली ना तो भाई साहब एक ही गाड़ी पे चिपके रहेंगे वो, जब तक वो एकदम टनाटन नहीं हो जाएगी वो दूसरी नहीं पकड़ेंगे, चाहे आके देख लेना भाई। माजिद भाई इस बात के लिए फेमस हैं। पहले एक करते हैं। अरे एक हमारे सोनू भाई साहब भी, ये भी बड़े फेमस हो रहे हैं ये देखो। तो भाई ये दोनों जो है ना, सोनू और माजिद भाई, ये दोनों बहुत पुरानी जोड़ी है। तो भाई साहब आप आओ और करा के देखो इनसे काम, ठीक है, बढ़िया काम करते हैं। तो माजिद भाई देखो अभी क्या कर रहे हैं, रेगमाल मार रहे हैं, रेगमाल मार के ना एकदम इसको चकाचक कर देंगे, चकाचक करने से क्या होगा, स्प्रे भी मारेंगे, ठीक है। तो माजिद भाई जब स्प्रे मारोगे ना तो मुझे बता देना एक बार, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं, ठीक है। तुम ये क्या कर रहे हो यूं बताओ जरा, क्या कर रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। ये प्लग के गैप मिला रहे हैं सर। प्लग के गैप मिला रहे हो, अच्छा सुनो भाई यूं बताओ, माजिद भाई तुम भी बताओ, वो जो मेरी गाड़ी में जो सरप्राइज है वो ये सीएनजी लगी हुई है ना, स्विफ्ट तुमने सीएनजी में बहुत कम देखी होंगी है ना, देखिए है स्विफ्ट सीएनजी में होता है ना, देखो। अच्छा पहले यूँ बताओ, स्विफ्ट देखी है तुमने सीएनजी में, कितनी स्विफ्ट देखी है सीएनजी लगी हुई स्विफ्ट तुम्हारे पास, कितनी आई है यूँ बताओ सोनू भाई, काफी आई है यूँ बताओ। कैसे गाड़ी झटका वगैरह मारती है ना, कैसे मिसिंग करती है, तो हमारे पास स्पेशल आती है यहाँ पे, मिसिंग वगैरह करती है तो हम उसके लिए मोटर बॉडी क्लीन करते हैं और प्लग वगैरह की सेटिंग करते हैं। अब ये दिखाओ तुम गैप कैसे मिला रहे हो, ये गैप मिलाया जाता है। अच्छा इस गैप को मिलाने से क्या रहेगा, गाड़ी जो करंट है ना वो बराबर पकड़ेंगे चारों पिस्टन। बिल्कुल सही बोला, तो जो भी बंदे जानते हैं जो गाड़ी रखते हैं उनको पता है भाई गैप मिलाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और जो सीएनजी गाड़ी होता है ना उसमें खासकर मिलाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा करंट प्रॉपर नहीं जाएगा और दिक्कत होगी, तो भाई ये गैप मिलाना जरूरी है, ठीक है। तो माजिद भाई भी लगे हुए थे, अभी सोनू भाई मिला रहे थे, तब माजिद भाई ने ले लिया, चला भाई मैं मिलाता हूँ। अब देखो ये स्प्रे भी मार रहे हैं सोनू भाई, तो माजिद भाई ये देखो इस तरह से स्प्रे मारना है, और ऐसा नहीं होता कि मारते ही रहना, जल्दी जल्दी मार के ख़त्म करना होता भाई, इससे नुकसान भी होते हैं भाई, ये एक तरीके से केमिकल ही है। तो फटाफट मारा, देखो कितना गंदा निकल रहा था, ठीक है। तो ये स्प्रे भी मार दिया, एकदम चकाचक हो जाएंगे अभी ये, ठीक है। अब आगे दिखाते हैं भाई जब ये कुछ करेंगे कारनामा, क्या कर रहे हैं देखो सारे के सारे ना इसके अंदर वापस से, देखो कितने प्यार से, छोड़ना नहीं होता, बस प्यार से नीचे उंगली ले जानी होती है, दो उंगली ऐसे और छोड़ देना होता है, बड़े प्यार से नहीं तो अगर एकदम छोड़ेंगे तो जो गैप मिला है ना वो दिक्कत में आ जाएगा ना भाई, अगर ऐसे छोड़ देंगे करके तो भाई साहब ऐसे छोड़ना मत भाई, कोई भी मैकेनिक अगर ऐसे छोड़ता है तो गलत है, ऐसे मत छोड़ो, उसको पकड़ के नीचे ले जाओ या फिर जो कॉयल होती है ना उसमें फंसा लो और उसको नीचे ले जाके आराम से कर लो। और देखो अब ये सोनू भाई जो है ये कस रहे हैं, ठीक है, इन सबको अच्छे से टाइट करेंगे, अभी नॉर्मल टाइट कर रहे हैं, फिर एक बार बढ़िया से टाइट करेंगे, अभी नॉर्मली टाइट कर ले रहे हैं ये, ठीक है। तो चलो भाई जब लगता है फिर दिखाता हूँ आगे। देखो भाई मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, दिख गया इंजेक्टर रेल सेंसर भी है ना, मैप सेंसर, जो सोनू भाई जो मैप सेंसर निकाल रहे हैं, ये देखो भाई ये होता है मैप सेंसर। अब जो है माजिद भाई चेक कर रहे हैं कि मैप सेंसर गंदा है, साफ है क्या है, ये होता है भाई मैप सेंसर, एक बार दिखा देना भाई सही से ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये देखो भाई मैप सेंसर है ये, ठीक है, गंदा है, हाँ गंदा है। देखो इसको साफ कर रहे हैं, कार बना रहा है इसके, ये देखो माजिद भाई जो है उसको क्लीन कर रहे हैं, बढ़िया स्लो मोशन भी आपको देखने को मिलेगा कैसे क्लीन कर रहा है, ये देखो। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help.
had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages of vacant. Modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. ठीक है, ये हो गया क्लीन मैप सेंसर. और मैंने आपको दिखाई दिया भाई, मेरी गाड़ी है स्विफ्ट और इसमें लगी हुई है भाई सीएनजी. सीएनजी जो लगी हुई है कन्वेंशनल लगी हुई है, और जो किट लगी हुई है वो लगी हुई है भाई टोमेस्टो अल्काइल इटली सिक्वेंशियल लगी हुई है. सॉरी कन्वेंशन नहीं, सिक्वेंशियल किट लगी है, मैं खुद भूल गया. ठीक है, सिक्वेंशियल किट लगी हुई है और टोमेस्टो अल्काइल अर्जेंटीना इटली लगी हुई है. आई थिंक अर्जेंटीना भी आती है एक, मैंने इटली लगाई हुई थी 50,000 की मुझे पड़ी थी और मैंने तब लगवाई थी आई थिंक 2012 में, और आज तक कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं. मैंने एक बार इंजेक्टर रेल भी क्लीन कराई है, वो मैं मिस कर गया, क्लीन दिखा नहीं पाया, लेकिन जब दोबारा कराऊंगा तो कराऊंगा. और भाई देखो, अब ये सारे कपलर वापस से इनकी कॉइल्स में लगाते हुए सब कस दिया है. ठीक है, कैसे तो देखा होगा आपने. अब ये देखो सेंसर, मैप सेंसर भी लगा देंगे भाई. अब ये इंजन ऑयल भी चेक कर रहे हैं. इंजन ऑयल देखो एकदम क्लीन निकला है ना, साफ़ है ना एकदम इंजन ऑयल, बिल्कुल क्लीन निकला है. वापस से देखो इंजन ऑयल की पत्ती लगा दी है. तो मैप सेंसर को भी लगा रहे हैं. नीचे की तरफ जैक होता है, दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप लोगों के साथ पता होगा तो ध्यान रखना. बस ये मैप सेंसर भी साफ़ करना ज़रूरी है सर्विस के साथ, है ना माजिद भाई. ठीक है भाई, ये रहे अपनी गाड़ी के शॉकर, ये जाएंगे एक बार दिखा देना भाई इसमें दिक्कत क्या है. ये दवाई रह जाते हैं, देखो आ रही नहीं आते. एक ये वाला है, ये देखो ये ले, हाथ से प्यार से दब रहे हैं. देखो ठीक है, ये देखो बाहर ही नहीं आ रहे है ना, ये देखो दब के रह गए. अब ये रिपेयर होने जा रहे हैं ना. चलो भाई बढ़िया, जब रिपेयर हो जाए तो बता देना भाई. माजिद भाई अब क्या कर रहे हैं, टोटल बॉडी क्लीनिंग हमने पूरी खोली नहीं है. ठीक है, बिना लगे ही कर देंगे. माजिद भाई कह रहे हैं बिना खोले ही कर देंगे. भाई क्या कर रहे हो, एयर फिल्टर निकाल ले हो. कैसा निकला सानू भाई, साफ है, साफ है, साफ है, साफ हो जाएगा, थोड़ी सी हवा मार देते हैं. वैसे ये सही निकला है. हाँ सही है. ठीक है सानू भाई, चलो एयर फिल्टर जब साफ करेगा ना लगाएंगे तो दिखा दूंगा. माजिद भाई जो है ना थोड़ी सी रिपेयरिंग कर रहे हैं. हमारी ना ये गुल्ली फंस जाती है यार सीएनजी की, ये खाली चिपक जाती है, जम जाती है, निकलती नहीं है बाहर. तो माजिद भाई इसका एक बार ना जंग लग गई है, ठीक कर रहे हैं इसको हल्की सी. देखो यार छोटे मोटे काम ना माजिद भाई यूँ ही कर देते हैं यार, ये इतने बढ़िया. कभी कभार तो तुमसे पैसे भी नहीं लेंगे यार छोटे मोटे काम के. ठीक है, एक बार आगे करा के देखना तुम, मज़ा आ जाएगा तुम्हें. ठीक है सोनू भाई, तुम ये क्या कर रहे हो, ये ऑयल ना मचा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसके ये स्टेरिंग का वो है जंपिंग रोड के, जंपिंग रोड है उसमें मैं कर रहे हैं और ये इसमें डाल के जूस वगैरह. ठीक है, तो सोनू भाई इसमें भी डालोगे ये जो स्टेरिंग का रहता है. हाँ इसमें भी डाल दो. अच्छा इसमें भी डाल दोगे, सब जगह ऑयलिंग करना जरूरी होता है, है ना. ठीक है, ये तो बढ़िया दोनों साइड करोगे, है ना. ये देखो भाई ऐसे हिला हिला के एकदम सेट कर देंगे सोनू भाई, ताकि जंप कर देना चूँचा पूँपा की आवाज़ ना करे. ठीक है, और एकदम फर्स्ट क्लास चले तो ये ज़रूरी होता है. ठीक है, देखो ये देखो पहले आवाज़ बहुत थी चूँचा, ठीक है ना, नॉइस बहुत थी गाड़ी में, मेरा कहने का मतलब ये है. तो ये देखो व्यूअर्स,
इंजन स्टार्ट है, ठीक है। बहुत ही हल्की सी जर्किंग है, हल्की सी जर्किंग इसलिए क्योंकि इसमें सीएनजी लगी हुई है, अब ये पेट्रोल पे आई थिंक, ठीक है। देखिए ना के बराबर है, ठीक है। अगर आप यहाँ पास से देखो तो हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको कि हल्की 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 है, क्योंकि सीएनजी लगी हुई है ना, और पुरानी भी हो गई तो ये करेगी थोड़ी बहुत जर्किंग, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट भी हो गया। तो दिखा देता हूँ कि पेट्रोल पे है कि सीएनजी पे है, ठीक है। जाता हूँ भाई, ये है देखो, अभी इस टाइम ना पेट्रोल पे है, ये देखो ये पेट्रोल पे है। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, अंदर बैठता हूँ हल्का सा और मैं इसको रेस देता हूँ। देखो स्टेयरिंग पे देखो, कोई वाइब्रेशन नहीं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सीएनजी पे, ये देखो आ गई, देखो हल्की सी रेस करा, टैप किया, अभी सीएनजी पे स्विच हो जाएगी, ये हो गई स्विच, कोई वाइब्रेशन नहीं। देखो बहुत लाइट सी वाइब्रेशन है, वो रहेगी क्योंकि भाई आपको पता है ये जो स्विफ्ट आई थी इसमें ब्रेकिंग की प्रॉब्लम थी, तो इसके जो आरपीएम है कंपनी वाले ने प्लस माइनस वो ब्रेक सॉफ्टवेयर वगैरह अपग्रेड करा था, उसके बाद से प्लस माइनस 100 में जाते हैं वो आरपीएम, ऊपर नीचे होते हैं। तो अगर मैं एसी चला दूंगा ना, ऑन कर दूंगा, तो वाइब्रेशन बिल्कुल चली जाएगी, समझ रहे हो। और मेरी गाड़ी चल चुकी है भाई 131,530 किलोमीटर, ठीक है। ये देखो अब कोई वाइब्रेशन नहीं है, देखो ना स्टेयरिंग ना कहीं, कोई गाड़ी देखो कहीं कुछ नहीं हिल रहा, एकदम नॉर्मल है। ये मैंने भाई अलग से लगा रखी है लाइट, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा रोशनी चाहिए होती है, बैक साइड वाली रोशनी से दिखाई नहीं देता, ठीक है, इससे पता नहीं लगता, तो मैंने एलईडी लाइट लगा रखी है, बहुत अच्छी, बहुत तेज़ रोशनी है इसकी, ठीक है। चलो अब इसको कर देते हैं बंद, इसको कर देते हैं वापस से पेट्रोल पे, क्योंकि अभी भाई ये सेट कर रहे हैं, ठीक है। साउंड ये हो गई बंद, अब हम आ जाते हैं बाहर। चलो तो भाई देखो अपने आ गए हैं सोकर वापस, एक बार भाई चेक करना, हाँ ये देखो आराम से ऊपर जा रहे हैं भाई, दोबारा दबाओगे एक बार, ये देखो अब देखो, ये पूरा जोर लगाना पड़ रहा है भाई को, और जब छोड़ेंगे तो ये देखो फटाक से ऊपर आ रहे हैं, मतलब इस तरह से ऊपर आने चाहिए, तो अब ये एकदम ओके। देखो दोनों सोकर दिखा देंगे भाई आपको, भाई यहाँ पे आके आप सोकर भी रिपेयर करा सकते हो, ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास। देखो भाई अब ये जो है भाई इसको फिट कर रहे हैं, फिट करने के लिए भाई ये स्प्रिंग होती है इसकी, ये लगा दिया, ऊपर से कैप लगा दी, और ये होती है इसकी मशीन, ठीक है भाई। इस मशीन में इसको पकड़ के ऐसे दबाना पड़ता है हल्का सा, क्या मतलब कभी कभी ज़्यादा भी दबाना पड़ता है, ठीक है। दबा दिया और दबाया, ना आराम से हाथ वाथ, ये देखो ये आ गया ऊपर निकल के, बस अब हमें यहाँ पे ये भाई दबा के रखेंगे इधर से, देखो दबाया हुआ भाई ने, और ये वाशर और इसका नट बोल्ट और ये इसकी कैप, ठीक है, दोनों टाइट कर देंगे, ठीक है। जब तक ये टाइट नहीं हो जाएगा भाई जो है इधर से पकड़ा हुआ, देखो भाई ना छोड़ेंगे नहीं इसको, वरना छोड़ देंगे तो हाथ में लग जाएगी, चोट लग जाएगी। तो ये हो गया भाई टाइट, ठीक है। अब देखो ये छोड़ दिया, अब इसको हम टाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा फंस गया वो उसके अंदर तो इसको माइंड मत करना। अब दूसरा वाला भी भाई जो है ऐसे ही करेंगे, ये लगा दिया इसका गुल्ला, ये लगा दी स्प्रिंग, और ये लगा दी इसकी कैप, और ये उठा लिया भाई ने नट बोल्ट, ये ऐसी कैप वापस से इसको इसमें फिट किया, ये दबाया भाई, रबड़ लगाने वाली आपको, हाँ भाई बस ये दबा दिया भाई ने, देखो आराम से, ये देखो आराम से, और ये वैसे डाल दिया सेट करके, कैप लगा दी, और ये नट बोल्ट जो है भाई टाइट कर देंगे, अभी ये थोड़े से मशीन को घुमा के, इसके अंदर शायद एलंकी रहती है, ये देखो भाई दोनों भाई जो हैं शोकर लगाने में लगे हुए हैं, आपने शोकर देख ही लिए हैं फर्स्ट क्लास, तो भाई ये देखो शोकर टाइट कर रहे हैं भाई ने, लग सकती है, चलो ठीक है वेल अलाइनमेंट करा लेंगे भाई, शोकर लगाने के बाद जनरली करानी पड़ती है ना, ठीक है, वेल अलाइनमेंट भी करानी पड़ेगी है, इधर का भी शोकर टाइट कर दिया है ना, जरूरी है ना अलाइनमेंट, बिना अलाइनमेंट कराएंगे गड़बड़ हो जाएगा, टायर वैसे ही खराब है, टायर एक टायर खाती है एक का छूटना, हाँ हाँ हाँ
हाँ भाई यूँ कह रहे हैं कि अगर आप अलाइनमेंट नहीं कराओगे शोकर कराने के बाद, तो शोकर एक साइड से खाने लग जाएगी गाड़ी, या तो इधर से या तो उधर से, यानी कि लेफ्ट से राइट से, सॉरी टायर खाने लग जाएगी गाड़ी। तो एक बार हम चेक करा लेंगे अलाइनमेंट, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, अलाइनमेंट चेक करा लेंगे, भाई ने शोकर लगा दिए, ठीक है। ये माजिद भाई जो है अब हमारे से ट्रायल लेने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम ट्रायल लेंगे गाड़ी का, शॉकर दोनों चेंज हो गए, आगे का जो टोटल बॉडी क्लीन कर दिया, मैप सेंसर क्लीन कर दिया, ठीक है, और जो जंग वंग लगी हुई थी वो भी हटा दी हल्की फुल्की सी, ठीक है, कॉयल साफ कर दिए, कॉयल के प्लग्स टाइट कर दिए, स्पार्क प्लग क्लीन कर दिया, एक मिनट रुक जा, ठीक है, चलो, तो चलो ट्रायल लेते हैं। पूरा स्टाफ होता है, पूरा स्टाफ है भाई माजिद भाई की दुकान पे, शॉकर भी रिपेयर हो जाएंगे, गाड़ी की चीजें सारी ठीक हो जाएंगी, कुछ भी कराना हो सब ठीक हो जाएगा, यहाँ तक कि तुम यूं कहोगे ना भाई रबिंग पॉलिश करानी है वो भी हो जाएगी माजिद भाई, वो भी करवा देंगे, सीएनजी भी सेटिंग हो जाएगी भाई के यहाँ, सीएनजी सेटिंग करने के लिए भी जबरदस्त भाई लड़का है एक, वो भी कर देगा, चैंपियन आदमी है, ठीक है। तो अब ट्रायल लेते हैं गाड़ी का, तब आपको दिखाता हूँ। तो अब हम अपनी गाड़ी के ले रहे हैं भाई ट्रायल, ठीक है, देख रहे हो मेरी गाड़ी में कोई भी जर्किंग नहीं आ रही है, ना कैमरे की वीडियो इतनी हिल रही है, मैंने कोई स्टेबलाइजेशन ऑन नहीं कर रखा, नॉर्मल है, देखो ये देखो, अब तो लिटरली जब गाड़ी एक गड्ढे में से गई है ना पता भी नहीं लगा, ठीक है, ये देखो मैंने डैशबोर्ड के ऊपर पकड़ रखा है अपने हाथ से, देखो लूज छुड़ा हुआ है बस, ठीक है। अब भाई जबरदस्त है, ब्रेकिंग कर रहे हैं हम कि मेरी गाड़ी का थोड़ी टायर भी गड़बड़ है, तो उनको भी चेंज कराना है, तो ट्रायल ले रहे हैं भाई। भाई कैसी लग रही है आपको चलाने में, सही लग रही है? हाँ जी गाड़ी तो ओके, हाँ अब कोई धड़धड़ बड़बड़ की आवाज नहीं आ रही है, पहले जो जितनी भी साउंड थी ना गड्ढों में, ये देखो हम गड्ढों में लेके जा रहे हैं, देखो देखो गाड़ी में इतनी आवाज नहीं है, जो मेरी गाड़ी के अंदर सामान है ना वो बज रहा है थोड़ा बहुत, बाकी नहीं बज रहा कुछ भी, देखो बहुत स्पीड में है, स्पीड भी दिखा देता हूँ, 50-60 की स्पीड पे है, ठीक है ध्यान से हम देखो, ये देखो ठीक है। तो ट्रायल सक्सेसफुल है भाई, ठीक है भाई, अब हम ट्रायल लेके वापस आ गए हैं, गाड़ी चली एकदम बेहतरीन, ठीक है। ये रहे अपने माजिद भाई का नंबर, ठीक है, और इनका नाम तो आपको पता लग ही गया, और दुकान का एड्रेस भाई मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार जरूर आओ भाई, करा के देखो भाई, एक गाड़ी पकड़ते हैं ना तो भाई एक ही गाड़ी पकड़ते हैं, जब तक वो बिल्कुल सेट नहीं हो जाती दूसरी गाड़ी पकड़ते नहीं है, माजिद भाई की खासियत है, और हर चीज़ अवेलेबल है इनकी दुकान पर, ठीक है। माजिद भाई कुछ कहना चाह रहे हो? हमारी दुकान के अंदर कोई सी भी गाड़ी का सामान या कोई सी भी गाड़ी हो सारी गाड़ी रिपेयर करते हैं, हमारी पूरी मार्केट है रोहिणी सेक्टर 7 नाहरपुर मार्केट, भाई आओ, माजिद भाई का नाम फेमस है, कहीं भी खड़े होकर पूछ लोगे ना कोई भी बता देगा माजिद भाई, बहुत पुरानी मार्केट है हमारी, ठीक है, और माजिद भाई भी बहुत पुराने, मैं तो 2012 से जानता हूँ, 2012 से मेरी गाड़ी भाई यही ठीक कर रहे हैं भाई, इतने विश्वासी है कभी कभी तो पैसे भी नहीं लेते, ठीक है, और छोटी मोटी चीज भाई वैसे ठीक कर देते हैं, और फालतू काम कभी नहीं बताते, ये दूसरे लोगों की आदत होती है, ये शॉकर बदल जाएगा जी, ये स्पार्क प्लग खराब हो गए जबरदस्ती ले आओ, ऐसा नहीं करते माजिद भाई की ये आदत है, ठीक है, एक बार आओ भाई जरूर कराओ। तो माजिद भाई अब वीडियो को एंड करते हैं, दूसरी वीडियो जब बनाएंगे तो मिलते हैं दोबारा से, चलो टेक केयर भाई।